हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? सच्ची अनजोग के ब्लॉग में आपका वेलकम है। और ये मैं आज की वीडियो बना रही हूँ, छोटे बेबी को मसाज कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये मेरी छुटकी 3 मंथ की होने वाली थी, तब मैंने ये वीडियो शूट की थी। तो ये जो साइड में हाथ में कड़े डाल रखे, सबसे पहले आपको इनको निकाल लेना है, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। इसे साइज के नहीं है, थोड़े ओवर साइज आ गए थे, तो इनको निकाल देना है और मसाज फेस से स्टार्ट करनी है और ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना है, जो चिक होती है उनके ऊपर की साइड से। और मैं तो मसाज करती हूँ जो काऊ का गाय का घी होता है ना, उससे। बाकी बहुत से लोग अलग अलग ऑयल से भी करते हैं, बट हमारे तो सभी बच्चे जो भी थे, बहनों वगैरह के सभी ने काऊ के मिल्क से ही मसाज की थी अपने बच्चों के। तो बहुत हार्ड भी नहीं करनी होती, बच्चों को सॉफ्ट सॉफ्ट करना। अभी काफ़ी छोटे हैं और इनकी स्किन भी काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर आप हार्ड तरीके से करोगे तो रैशेज वगैरह हो जाएंगे, रेड रेड हो जाएंगे, इनको पेन होगा, खुशी से भी नहीं कराएंगे। अभी तो ये देखो हमारी छुटकी ना खुश हो रही है, इसको अच्छा लग रहा है, बीच बीच में स्माइल भी कर रही है। तो इस तरीके से आपको भी करनी है, धीरे 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 आगे बढ़ते रहना। ये जब हाथों की बारी आई तो मैंने कड़े को निकाल दिया, क्योंकि बीच में आता बार बार। बाकी आप पेट की करो तब थोड़ा सा ध्यान देना कि राउंड 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 पेट में घुमा सकते हो ऐसे हाथों को, उससे थोड़ी कोलिक की प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह की, वो रिलीफ हो जाता है। ओके, फिर ये छुटकी हो गई थी बोल, तो मैंने इसको थोड़ी देर खिला लिया ऐसे ही, राधे वगैरह बोल के, राधे राधे। और देखो कितनी खुश हो रही है। तो ऐसे ही आपको सॉफ्ट सॉफ्ट करना है। बाकी इसके सर पे करते हैं तो इसको थोड़ा बुरा लगता है कि नहीं मेरे सर पे मसाज मत करो, सर पे करते हैं तब तो मुंह बना लेती है। देखो थोड़ा थोड़ा करने लग गई ना, और बाकी तो हर जगह पे अच्छा लगता है इसको। तो बीच बीच में आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी कराते रहना, जैसे हाथ वगैरह को बैंड वगैरह करना, पैरों को साइकिलिंग करनी, और इस टाइम से थोड़ी थोड़ी कराते रहना तो ये अच्छा रहता है। मैं तो एक टाइम करती हूँ मसाज, बाकी बहुत से लोग हैं वो दो टाइम भी करते हैं, एक बार मॉर्निंग में कर देते हैं, एक बार इवनिंग में कर देते हैं। काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं बच्चे, इसे इनको नींद भी अच्छी आती है, तो ये करना काफ़ी ज़रूरी है। पर अगर आप लोग खुद से ही करोगे तो बेस्ट रहेगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि मसाज करने वाली आती है, काम वगैरह करने वाली, जब न्यू बोर्न होते हैं तो उनसे करवाते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड तरीके से करती है,
बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चों को पसंद भी नहीं आती। तो आप कोशिश करना कि आप खुद ही कर सको, या घर में दादी वगैरह के पास करा लो, माँ जी वगैरह कर दें तो वो बेस्ट रहेगा। तो बीच बीच में देखो ऐसे एक दो एक्सरसाइज भी करनी है, और इसको भी आप आदत हो चुकी है प्रीशा को, तो ये खुश होती है काफ़ी जब मैं ये करती हूँ। तो इनसे देखो थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाता है इनको, और अच्छा भी लगता है। तो आपको ऐसे ऐसे ज़रूर करना चाहिए, दो तीन तरीके मैं कर रही हूँ ये, इनसे रिलैक्स हो जाएगी इनकी बॉडी, फिर ये नींद भी अच्छी लेते हैं। मसाज करने के कुछ टाइम बाद, मैक्सिमम लगा लो आधा घंटा इनको ऐसे ही फ्री छोड़ देना, तब तक जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होता है वो भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद इनको नहला दो, नहलाने के बाद फीड कराओ, और फिर ये काफ़ी अच्छी नींद में सोते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है इनको भी, आराम होता है, क्योंकि पूरा टाइम बेचारे बिस्तर पे ही रहते हैं, ये चल फिर भी नहीं पाते, बॉडी मूव भी नहीं होती, तो इसलिए भी इनको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो बताना गाइस, बाय।